हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैं कौन वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सोलो का एक तगड़ा सा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, वो भी भाई ग्रैंड मास्टर पे। ठीक है, अब भाई मैं सोलो विंस में टॉप 10 नंबर पे चल रहा हूँ रीजन पे। ठीक है, एक बुआ करूंगा तो टॉप 9 में आ जाऊंगा, बाकी धीरे धीरे करके हम और ऊपर पुश करेंगे। थोड़ा सा कम खेलता हूँ, लेकिन जितना भी खेलता हूँ जहाँ पे हूँ भाई थोड़ा सा भी खेल के। ठीक है, और हाँ, जॉम्बी इन्वेंशन करके एक भाई न्यू इवेंट आया है, जिसमें भाई हमारे ना मैप में एक मॉन्स्टर निकलता है, आपको मैं दिखाता हूँ भाई, उसमें खेलने का थोड़ा ज़्यादा मजा आता है। अभी वहाँ पे बंदे भी इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ उसके साथ फाइट करने के साथ फाइट भी करनी होती है, तो भाई उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए भी मजा आता है। तो थोड़ा सा अभी ऐसे अगर इवेंट आते रहे ना, तो भाई गेम खेलने में मजा आता है। अब फिलहाल के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा ये भाई अपडेट जो अभी आया था, छोटी सी अपडेट है, आपको दिखाता हूँ भाई ये गेम प्ले कैसी जाने वाली है। उस मॉन्स्टर को मारने के बाद भाई क्या लूट मिलती है, सच में बता रहा हूँ भाई, 5000 से ऊपर टोकन मिलते हैं अगर आप उसको मार देते हो अकेले। फिलहाल के लिए प्लेन निकल चुका था, मैं इसके कहीं पे आसपास उतरने वाला हूँ। ये जो तीन सर्कल दिख रहे हैं ना आपको ऑरेंज कलर के, इनमें टाइमर चल रहा है, जब ये टाइमर खत्म हो जाएगा, मतलब ये पीछे को चल रहा है 4 मिनट का टाइमर होता है, इसमें अगर ये खत्म हो जाएगा उसके बाद वो मॉन्स्टर निकलेगा। मैं भाई यहाँ पे बिम्मा शक्ति में उतर गया, जो काटलिस्टिवा और भाई बीमा शक्ति इन दोनों के बीच में है ना, वहाँ पे जाके मैं फाइट करने वाला हूँ। पीक में थोड़ा सा तंग करेंगे भाई बंदे, क्योंकि वहाँ पे बंदे बहुत होते हैं और वहाँ पे कवर लेने को भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता ऐसे खास, मतलब छोड़ो यार मैं आपको समझा नहीं सकता वो चीज़ें, बस जहाँ पे मैं कंफर्टेबल था तो मैं जहाँ पे लैंड किया, और जहाँ पे लैंड करते ही भाई मेरे को M4A1 ऊपर से भाई हमारी डबल बैरल मिल गई, मतलब क्या कॉम्बिनेशन मिला भाई उतरते ही। चलो, जो मेरे को चीज़ चाहिए थी वो हमको मिल चुकी थी। अब भाई ऊपर की साइड फाइट हो रही थी, मैं सोच रहा था कि जब तक मेरे को कोई ग्लू वाल नहीं मिल जाती ना, तब तक मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा, इसलिए भाई मैं जहाँ पे ग्लू वाल वगैरह भी देख रहा था थोड़ा बहुत, वैसे भी भाई अभी वेट कर रहा था क्योंकि मेरी ग्लू वाल बनने वाली थी, अभी 100 सेकंड होने वाले थे, बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा था, तब भाई मैं ऊपर की साइड को बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अब भाई ग्लू वाल तो मिल जाएगी हमको, हम ग्लू वाल लगा के बच भी जाएंगे अगर हमारे ऊपर कोई फायर करेगा। फिलहाल के लिए तो मेरे को बंदा दिखा, ड्रैग किया, हेड मारा, बंदा खत्म भाई साहब। पहली बार हेड मारा ऐसे मैंने, सीधा ओनली हेड मारा, मतलब रेड नंबर ओनली पहली बार मारा, मेरे को बहुत हैरानी होती है जब मैं भाई ऐसे मारता हूँ। फिलहाल के लिए मैंने उस बंदे को लूटा, उसके बाद भाई नीचे फाइट होगी, अब मैं एक बंदे पे फायर करूंगा, ठीक है, और वो बन जाएगा भूकंप। मेरे को भाई कैसे पता चला मैं बताता हूँ, देखो अब मैंने फायर किया, उसके भाई मोको आनी चाहिए थी, लेकिन भाई मोको एकदम बंद होगी, अब बंदा तो वो नहीं मरा लेकिन भाई मोको बंद होगी, इसलिए मैं समझ गया कि उसके पास भूकंप है। अब ये बंदा भाई कितनी 100 IQ लगा रहा था, मतलब कहां कहां से घूम के मेरे को मारने आ रहा था, लेकिन बेचारा मेरे हाथों से मर गया। अब इस साइड से फायर हुआ था, मेरे को यहां पे एक बंदा मिला जो बेचारा लो लेवल का था, वो मेरे हाथों से इजी मर गया। अब मैंने इसको भी खत्म कर दिया, अब भाई बहुत कम टाइम बचा था भाई मॉन्स्टर निकलने को, कम से कम 1 मिनट बचा था, तो भाई मैं ऊपर की साइड को आ गया, तभी भाई किसी बंदे ने हिटलिस्ट का मिशन लिया, वो आ गया मेरे पे। अब बंदे की तो लगने वाली थी पक्का, लेकिन बंदा अगर पहले आ जाएगा तब वो मरेगा, नहीं तो भाई अगर मॉन्स्टर के साथ आ गया तो भाई मेरे हिसाब से मैं फंसने वाला था, इधर से मॉन्स्टर भी मारेगा उधर से वो भी मारेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए तो मैं दोनों की वेट करने लगा, क्योंकि भाई दोनों मेरे को लग रहा है एक टाइम पे आएंगे भाई, पक्का एक टाइम पे आएंगे, और मैं एक पे फोकस करके पहले बंदे को ठोकूंगा उसके बाद इसको ठोकूंगा, क्योंकि ये तो कहीं नहीं भागने वाला, बंदा कहीं पे भाग सकता है। चलो, वैसे तो बंदा भी भागेगा भाई, उसका भी पता चलता रहेगा अभी कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि भाई उसने मिशन लिया तो मेरे को भी उसकी लोकेशन पता चलती रहेगी। अब भाई इसको निकलते हुए देख लो पहले आप, अब ये मॉन्स्टर भी निकला है और बंदा भी आ गया भाई बिल्कुल मेरे पीछे। ठीक है, मैं पिसके मरने वाला था जहाँ पे दोनों के बीच में, लेकिन मैंने पहले बंदे पे फोकस किया, बंदे को खत्म किया, उसके बाद फोकस करेंगे मॉन्स्टर पे, लेकिन मॉन्स्टर मेरे को मारना शुरू भी कर चुका था भाई पीछे से। अब भाई वो एक तरह के बॉम्ब छोड़ता है एक साथ, ठीक है 5-7 होते हैं, अगर आप उनकी रेंज में हो तो आप इजीली खत्म हो सकते हो, ऐसे जैसे नॉर्मल गोलियां मारता है इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो वो बॉम्ब छोड़ता है ना वो सर्कल बन जाते हैं पहले 5-7, उसमें अगर आप हो तो आप इजीली खत्म हो सकते हो। और हाँ, आपको मैं बता दूं भाई, पहले नंबर पे इसको खत्म करने वाली गन है
कॉड, क्योंकि उसको अगर आप बैठ कर चलाओगे उसमें 5 गोलियां निकलती हैं, और 5 एक टाइम पे भाई एयर की गन, मतलब एयर गन 5 चला रहे हो आप एक टाइम पे, ऐसे सोच के चल सकते हो। दूसरे नंबर पर भाई स्कार 3 चिप के साथ, बस इसके बाद मेरे को नहीं पता। पहले तो भाई कॉड भाई बहुत जल्दी ख़त्म करती है यार इसको, इजिली मतलब भाई 3% ख़त्म होता है इजिली। अब देखो ये सर्कल बने हैं ना, ये जो बम छोड़ते हैं, अगर आप इनके बीच में हो तो आप इजिली ख़त्म हो जाओगे। फिलहाल के लिए तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और इसके भाई जो मरने के बाद हमको लूट मिलती है वो भी आप देखना भाई कितनी इनसेन होती है, और कितने हमको टोकन मिलने वाले हैं। फाइनली मैंने इसको अकेले को ही मार दिया भाई, मतलब सॉरी फाइनली मैंने इसको अकेले नहीं मार दिया। अब भाई यहाँ पे लूट देखो, इंटरनल सिरिंज और भाई बड़ी मेडकिट और 2 ग्लू वॉल, ठीक है। उसके बाद फिर से भाई 2 बड़ी मेडकिट और 4 ग्लू वॉल, ठीक है। और भाई चार्ज बस्टर पड़ी है, SVD भाई पड़ी है, मतलब जो एयर ड्रॉप की तकड़ी गन है ना वो जहाँ पे मिल जाएंगी आपको ऐसे ईजिली। और उसके बाद ग्रोजा एक्स बहुत कम मिलती है भाई, SVD भाई भी बहुत कम मिलती है, और 8WM भाई भी बहुत कम मिलती है। यहाँ तक तो भाई M1887X भी मिल जाती है, जिसके भाई 3 शॉट होते हैं, मतलब भाई आप एक टाइम पे जो डबल वैरल है उसके ट्रिपल वैरल, क्या बोल सकते हैं उसको, ट्रिपल वैरल बोल सकते हो आप उसको, डबल वैरल को ट्रिपल वैरल बोल सकते हो, वो मिलती है यहाँ पे। मेरे को एक बार मिली थी, ठीक है। अब मैंने इतने ज़्यादा मैच नहीं खेले इसको मारने में, तो मेरे को सिर्फ एक बार ही मिली है, मतलब 5-7 मैच खेले हैं, 5-7 बार मैंने इसको मारा है, तो 5-7 बार में से आप बोल सोच लो कि मेरे को एक बार मिली थी वो डबल वैरल, और भाई वो इतनी अच्छी नहीं है मैं खुद बताता हूँ, इससे बढ़िया तो भाई डबल वैरल है वो ट्रिपल वैरल से, ठीक है, इतना बता सकता हूँ आपको। अब भाई मैंने वहाँ पे उसको मारने के बाद लूट की, और उसके बाद भाई मैं आ गया आगे मिशन लेके जून में, ठीक है। मैंने इस बंदे को ख़त्म किया जिसका मैंने मिशन लिया था, और ये इसी को ख़त्म कर रहा था अभी जानवर को। और भाई खुद देखो सीरियसली में भाई स्कार 3 चिप के साथ कितनी ईजी ख़त्म कर रही है उसको, और जहाँ पर भाई मैं मरते मरते बचा था जस्ट अभी। अब थोड़ा मैं भाग के आगे आया तो मेरे को यहाँ पे एक बंदा जंप करते हुए दिखा घर से, इसको मैंने इजिली खत्म कर दिया भाई। स्प्रे कितनी फास्ट है भाई, सच बोल रहा हूँ, मैंने वीडियो तेज नहीं किया है, ये खुद ही इतनी फास्ट है स्कार भाई। ऊपर से मैंने इसके AR मैगजीन लगाई हुई है भाई, हद से ज़्यादा फास्ट है यार, ऊपर से स्टेबल भी है। अब मेरे को भाई उसको लूटने के बाद 32 ग्लू वॉल हो गई थी टोटल मेरे पास, और सामने मेरे को उसके जो जानवर है उसकी पॉइजन दिखी, मतलब थोड़ी थोड़ी हरी हरी होती है ना जो ग्रीन, वो पॉइजन दिखी। मेरे को लगा ही था कि वहाँ पे कोई बंदा होगा, तो भाई मेरे को दिखा, मैंने उसके एक शॉट मारा, बंदा खत्म। इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अगर आप ध्यान से नहीं लड़ रहे इस मॉन्स्टर के साथ तो भाई ये आपको इजिली खत्म कर देगा, ठीक है। अब टोटल भाई मेरे 8 किलो हो गए थे, मेरे अलावा टोटल 3 बंदे बच रहे हैं, एक तो बिल्कुल मेरे सामने, मेरे को पता था ये ऊपर चढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पे होल्ड किया ये बड़ी वाली हैंड कैनन से, इसको डैमेज की। अब इस AWM वाली लड़की ने भाई मेरी हेल्थ की वाट लगा दी थी, चलो कोई ना, मैंने भाई सुपर मेडकिट लगाई, उसके बाद मेरी हेल्थ फुल हो गई और इसको खत्म किया। अब इसको खत्म करने के बाद भाई जो लास्ट का बंदा बच रहा था वो भी जोन के बाहर था, उसको भी हेड मार के खत्म किया। फाइनली तुम्हारे भाई को जहाँ पे 10 किल के साथ भूया मिल गया था। भाई कैसी लगी वीडियो मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ, मेरी डैमेज बहुत कम है भाई, इसलिए मेरे को पता है मेरे को कम प्लस मिलेंगे, मेरे को फुल डैमेज पे नहीं प्लस मिलते इतने ज़्यादा, भाई कम डैमेज पे तो भाई मिलेंगे क्या। तो भाई मेरे को इसमें 37 प्लस मिले थे, ठीक है, वो भी 10 किल के साथ। भाई यार किल हो ना कम से कम 10-12, तब तो भाई इनको फुल प्लस देने चाहिए। अब फिलहाल के लिए हम चेक कर लेते हैं रीजन में कितने नंबर पे। हाँ, टॉप 10 नंबर पे थे, अब भाई 9 पे आ चुके हैं, क्योंकि भाई अब हमारा एक बुया उससे ज़्यादा हो चुका है नीचे वाले बंदे से। चलो जो भी है गाइस, कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे को, ठीक है। अगर कोई गलती होगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि मैं अगली वीडियो में सुधार पाऊँ। तो आशा करता हूँ आज की जे वाली वीडियो आपको पसंद आएगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।